हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए लर्नर। सो फ्रेंड्स, आज सेसन डा समस्त इम्पोर्टेंट रहिबो। तो कहीं आज आम डिस्कस करने जाऊँ बीए 2022 रो क्वेश्चन, ठीक अच्छे। 2022 जहाँ भी क्वेश्चन आसी तार पार्ट वन को डिस्कसन करवा, ठीक अच्छे। तो आप जानते हैं यहाँ रही आर्ट्स पीवाई क्यूटा, बट आपने जानते हैं सैंस हूँ कि आर्ट्स हूँ पार्ट वन सेम जिनस आसी था जेनराली आम कौन ना टीचिंग आप्टिट्यूड रिजनिंग तापरे रहीगला जनरल अवेयरनेस इंग्लिश ये सब जिनस आसी था आमर। तो से सब को डिटेल डिस्कसन करवा देखते आज आप देखा पाइबे जो के आपंकर बहुत सारा क्वेश्चन आपंकर रिपीट हो, ठीक अच्छे। आपन जदि मुझे जो पी आई क्यू सेसन गुड़ाक कर जीए भी करश्चित भाव सी जो 2022 क्वेश्चन सेट को यहाँ देखिए निश्चित भाव जापर के क्वेश्चन रिपीट हो बहुत सारा आउटा कौटा रिपीट होटा आपको कहीदेपरि इजिली, ओके। तेनाली सेसनटा निश्चित देखु आदि आपर पी आई क्यू सेसन गुड़ाक देखी ना सजेसन रश्चित भाव में जाकि देखु कहीं आपंकर जिनस गुड़ा ही आपंकर रिपीट होगी आसी 2022 जदि कह आउ से अनुसार जदि आम 2023 भी रिपीट होेणु यार बहुत मानने कौन आपको एग्जाम निश्चित भाव में भल हो पार जदि आप पी आई क्यू सेसन गुड़ाक देखुं, ओके। तो चलो तो सेसन को डिस्कस करवा फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये रही है आर्ट्स पार्ट वन, ओके। आर्ट्स सेक्शन वन को आम डिस्कस करमर, ओके। तो आपण मैंने कहे साइंस पार्ट वन टाक डिस्कस करदेवी नेक्स्ट आउ गोटे क्लास आणिकी जिते जल्दी संभव, ओके। तेनाली निश्चित भाव कमेंट बक्स कमेंट करेंगे जदि आप साइंस पार्ट वन टा भी दरकार कहीं आप देखिए आप रिपीट हो बहुत सारा क्वेश्चन आउटा कि आपको हेल्प कर अपकमिंग एग्जाम काली जो एग्जामा अच्छे आपंकर, ओके। निश्चित भाव में तेज चलो तो सेसन को स्टार्ट करवा। भिडियो भल लगे गोटे लाइक करेंगे सांग सहित सेयार करेंगे आ चेल को नुआ थे चैनल को सब्सक्राइब करने आपको जब यार पी आई क्यू क्वेश्चन गुड़ाक दरकार आम टेलीग्राम ग्रुप में जॉइन हो पारे जोटा कि रही है ए लर्नर डिस्क्रिप्शन बॉक्स तार लिंक अच्छी जोटा जो थे कि आप सब क्वेश्चन पाइबे, ओके। तो देखते ये आम जो देखा 2022 क्वेश्चन आपंकर फास्ट जो अच्छी फास्ट आपने जानते हैं पार्ट वन आम 40 क्वेश्चन पार्ट टू 60। तो आम जो पार्ट वन 40 क्वेश्चन से पछपटे दे, ठीक अच्छे। ये जो प्रथम जो एक रु स्टार्ट एक्चुअली सब्जेक्टिव पार्टा, ठीक अच्छे। आज जदि आम देखा आम कौन जनरल पार्ट जोटा कि समस्त सामान आम आर्ट्स पिलांर भी कथ कह कि साइंस पिलांर तो सहीटा रही है कैसे ना 60 पाखर रही, ठीक अच्छे। बाकी वन रु 60 जाए आम कंटेन्ट पार्टा रही, ठीक अच्छे। तेनालीटा आम देखानी आम पार्ट वन टाक देखा जो थी कि रही है 60 स्टार्ट हो, ठीक अच्छे। तो यहाँ रही है कौन यहाँ रही है पैसेज आउ पैसेज केमती अटेम्प्ट करेंगे मुझे आपको बार बार से गोटे कथ कौन आपड़ प्राक्ट करूँ रेगुलाली गोटे गोटे आप तो करेंगे निश्चित भाव में आ देखिए आप पढ़ू पढ़ू केमती करदेपरिवे इजिली, ओके। मुझे केवल एनसरटा कहीदेगी पैसेजर बाकी को आम डिस्कस करवा डिटेल। तो देखो कौन अच्छी व्वेन दि लास्ट केस केम आफ दि जज फेल्ड रिलीव्ड बिकज तो कौन पाई ना जिते लास्ट केसटा आसला से बहुत रिलीव्ड फिल कले कहीं इट हेड बीन ए हॉट एंड टायरिंग डे, ओके। तो ऑप्शन नंबर बी हो राइट आंसर। यहाँ आपंकर कौन ना पैसेज पढ़ले ही यहाँ करेंगे आप बुझी दरकार। देन 62 दि मेन वाज एक्विज्ड ऑफ से मेन जनक कहार एक्विज्ड थे बोली पचार तो यार हम ब्रेकिंग इनटू ए हाउस। तो ऑप्शन नंबर डी हो राइट आंसर जोटा कि पैसेज रु आपारे। देन दि जज डिड नॉट फाइंड दि मेन गिल्टी एज मैंने जज मैंने जो लोकटा को गिल्टी भाव में पाइले मानने कौन तक गिल्टी बोलिकी दोषी सब्यस्त कर पारे कहीं देयर वाज नो रियल प्रूफ अगेंस्ट हिम। सो ऑप्शन नंबर ए हम राइट आंसर, ओके। तो नेक्स्ट जी दि मेन फेसिंग दि ट्रायल वाज रियली गिल्टी बिकज मैंने जी ट्रायल करा जाऊला जहाँ को सी रियली मैंने कौन गिल्टी फेस करूला तो यहाँ कौन पाई ना ही हैड दि वाज इन हिज पोजेसन, ओके। तो ऑप्शन नंबर सी हम राइट आंसर, ओके। 64 ऑप्शन नंबर सी। देन जी नेक्स्ट 65 हाउ डज दि एक्विज्ड एपियर तो एक्विज जनक केमती एपियर करते क्लेवर फुलिश कनिंग ना ब्रेव तो देखते एक्विज्ड जनक कौन ना आमर फुलिश भाव में निजक मानने कौन एपियर कराते जो किसी जानी से भाया हिसाब से शो करुले, ओके। तो ये थी पांचटा क्वेश्चन जोटा कि आपंकर पैसेज रु आसला जोटा कि बहुत इजी अच्छे, ओके। तो आपने जब पढ़ी रेगुलाली प्राक्ट करते निश्चित भाव में पैसेज रु आपड़ 5 रु 5 रखिदेवे, ओके। नेक्स्ट जी देखो आम देखो यही पाखु स्टार्ट हो दि वार्ड सिमिलार इन मीनिंग टू पजल पजलर सिमिलार मीनिंग आपड़ जब पी आई क्यू देखी इंग्लीश्र मुझे यहाँ डिस्कस करा पी आई क्यू गोटे आसी कतेटा पी आई क्यू आसी आपको ये कहीदेवी यहाँ गोटे अलरेडी आम आसी आपड़ी पी आई क्यू सेसन देखी आपड़ यहाँ करदे पारे कहीं पी आई क्यू रू ही आसी
तो पजल कौन हम ना सिमिलर मीनिंग पचार तो कौन हम ना कन्फ्यूज तो ऑप्शन नंबर सी तो नेक्स्ट जी दि वर्ड अपोजिट इन मीनिंग तो गिल्टी रो अपोजिट पचार तो यहाँ तो इजीटा ना गिल्टी रो माने कौन दोषी निजक भाव तो इनोसेंट बा निर्दोष से टाइप रो हाँ कि नहीं तो ऑप्शन नंबर डी हो गला राइट आंसर देन कहि दि जज वाज फिलिंग टायार्ड दि कोर्ट क्लर्कस वी आर अल्सो फिलिंग टायार्ड कंबाइनिंग दिज टू सेंटेंस यूजिंग एज वेल एज ओके एज वेल एज यूज करके आम दुटा सेन्टेन्स को जोड़ा तो कमी हम देखो ना दि जज एज वेल एज दि कोर्ट क्लर्कस इज फिलिंग इज तो केवे हमें कहीं ये आम पास्ट अच्छे देखते दुटा देख तो पास्ट हम आपर कौन आम जे सिंगुलर भार्व हम ओके व्वाज वी आर बदले व्वाज टे लगे तो कौटी अच्छे दि जज एज वेल एज दि कोर्ट क्लर्कस वी आर फिलिंगस ओके सरी व्वाज फिलिंगस टायार्ड सो अप्सन नंबर सी हे रईट आंसर ओके द नेक्स्ट जी देखो आमर जी दि मेन हू दि मेन व्वाज फुलिश दि मेन व्वाज टेक्टलेस तो यहाँ को आम जोड़ा कौन देखी नट ओनली आटल्स देखिए जोड़ा तो कौन दि मेन व्वाज दि मेन व्वाज नट ओनली फुलिश बाटल्स टेक्टलेस ये टाइप हम ना दि मेन व्वाज नट ओनली फुलिश बाटल्स टेक्टलेस दि मेन व्वाज नट ओनली फुलिश बाटल्स टेक्टलेस सो अप्सन नंबर बी हे रईट आंसर द नेक्स्ट जी सेवेन्टी दि एक्विज्ड सडेनली सेड सेल आई रिटर्न दि व्वाच अर नट मैंने दि एक जनक हटात उपरे कही उठले मुझे व्वाचटा रिटर्न करी कि नहीं दि सेन्टेन्स कैन भी चेंज इन टू इनडाइरेक्ट तो इनडाइरेक्ट स्पीच करने तो दि एक सडेनली सेड बा सेड मैंने सेड बदले आक्सड हम आम तो दि एक सडेनली आक्सड व्वेदार गोटे एक्सट्रा लगे ठीक अच्छे ये जो व्वाच अर नट यहीटापी आम व्वेदार गोटे लगे जो व्वेदार ही वुड रिटर्न दि व्वाच अर नट तो आप ये तो क्वेश्चन मार्क अच्छे बहुत पिला क्वेश्चन देदेवे कि देखो यहाँ डायरेक्ट स्पीच रे अच्छे सीए जो कहता क्वेश्चन मार्क कितु जो से कथा आपन कौन आपन कौन क्वेश्चन मार्क देवे कि सी कह कौन तरकारी धरा जाऊ जड़े आपण फ्रेंड जनक कहले कौन तरकारी माँ को कहला तो आपड़ जिते कहे कौन कहे मो फ्रेंड ता माँ को पचार कौन तरकारी तो से क्वेश्चन मार्क देवे कि क्वेश्चन मार्क देवे तेणु यहाँ हेनी आप रईट आंसर यहीटा ही हम तो ऑप्शन नंबर बी ना सॉरी ए ऑप्शन नंबर ए हम रईट आंसर सेवेन्टी देन जी सेवेन्टी वन देखु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर साउंड साउंड कौटा करेक्ट तो साउंड पाई हैला सी ग्लास रे भी जाई परिवो लिक्विड मीडियम रे भी सॉलिड भी किंतु वैक्यूम रे जाई परिवो नहीं किंतु जदि आपनको लाइट कही दांदा लाइट आमर सब प्रकार मीडियम रे जाई परिवो ठीक अच्छे तो ऑप्शन नंबर डी हो राइट आंसर काहेकि ना साउंड पचार ये अच्छे हमर एजुकेशन एंड जनरल अवेयरनेस रो क्वेश्चन ठीक अच्छे तो यहाँ नेक्स्ट पचार व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बैक्टीरियल डिजीज कौटा गोटे बैक्टीरियल डिजीज नुह देखो कितने इजी इजी क्वेश्चन गुड़ाक पढ़ू तेणु एजुकेशन एंड जनरल अवेयरनेस मुझे आपको स्ट्राटेजी गोटे बतेली आपंकर कौ भाया अटेंड करेंगे क्वेश्चन क्वेश्चन को कौ भाया अटेंड करेंगे एग्जाम हल्ले ओके से रिगार्डिंग आपको गोटे वीडियो करदे का तो आपने जो मैंने भी देखी ना निश्चित भाव में देखो जो कौ भाया भाव में आप गोटे भल स्कोर रखिपर ओके सहीटा मुझे डिस्कस कर कौटा बैक्टीरियल डिजीज नुह ना मिजिल्स ऑप्शन नंबर सी तेणु डिजीज गुड़ाक टे आप जानते इजिली करदे पारे तो मिजिल्सटा कौन ना गोटे भाइराल डिजीज ओके मिजिल्स गोटे आमर भाइराल डिजीज देन व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडॉप्टेड तो यहाँ देखते यहाँ गोटे क्वेश्चन जोटा कि रिपीट होती है जोटा कि इजी क्वेश्चन ठीक अच्छे यहाँ आउ गोटे क्वेश्चन तो दुटा क्वेश्चन है रिपीट होती तो मुझे कहीदेवी के ठीक अच्छे तो यहाँ भी आम रिपीट होती जब आप पी आई क्यू सेसन देखी जानते तो ऑप्शन नंबर डी हे राइट आंसर 26 नवंबर 1950 ओके देन व्हिच फॉर्म ऑफ एटा गोटे आप रिपीट होती देखो यहाँ गोटे रिपीट होती आपंकर तीन टा जे व्हिच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज प्रिवेलेंट इन इंडिया इंडिया रे को प्रकार गवर्नमेंट अच्छे ना आम पार्लियामेंटरी ऑप्शन नंबर बी ओके यहाँ गोटे आप पार्लियामेंटरी आम अच्छे देन व्हेन वाज नेशनल इमरजेंसी यहाँ गोटे आप देखते रिपीट अच्छे यहाँ गोटे चार नंबर ये चार्टा क्वेश्चन रिपीट है देखो जो मैंने पी आई क्यू देखुंत निश्चित भाव में जापारे जे व्हेन वाज नेशनल इमरजेंसी इम्पोज फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया इंडिया रे प्रथम थर पर केबे नेशनल इमरजेंसी लगी ना के 1962 रे ओके 1962 रे लगी केतेबेले ना जेते बेले आमर एटा जनरली चाइना वार टाइम रे ठीक अच्छे चाइना सहित जेते बेले वार चली से लगी नेशनल इमरजेंसी टा आमर आर्टिकल केते रे अछि एटा टिके जानि रखंतु नेशनल इमरजेंसी आमर आर्टिकल 352 आ जदि पचारला जे स्टेट इमरजेंसी केबे ना 356 आउ गोटे पचारे आपंकर फाइनेंशियल इमरजेंसी केबे ना 360 आउ आपन गोटे मन रखंतु फाइनेंशियल इमरजेंसी आमर एजाई थरे भी लागी नै ओके फाइनेंशियल इमरजेंसी ठीक अछि तबे ये हला आमर फर्स्ट हेथिला केबे नेशनल इमरजेंसी ना 1962 रे सेकंड हेथिला 1971 रे जोटा कि पाकिस्तान सहित जेते बेले युद्ध हेथिला आमर वार चलीथिला
आ थर्ड के आम तीन थर लगी थर्ड होता आमर के 1975 रे एटा आमर इंटरनल डिस्टर्बेंस पे होता ओके इंटरनल डिस्टर्बेंस पे होता बुझिपारे आउ गोटे यहाँ कथा देखो जे ह्विज कमिशन और पॉलिसी हेज रेकमेंडेड द एस्टाब्लीशमेंट अफ पे सिटिंग स्कूल ये अवश्य रिपीट है ये क्वेश्चन बट यहाँ विषय में डिस्कस करा क्लासेस मानक जिते पीआईक्यू डिस्कस हो कि प्राक्टिस सेसन में आम ये डिस्कस कर जिनसा यहाँ आप रिपीट है बट यहाँ मोर डिस्कस अच्छी अलरेडी तो देखो ये प्रथम कमिशन पॉलिसी कही रेकमेंडेड कौन ना पे सिटिंग स्कूल तो यहाँ किए करते ना नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 ठीक अच्छे तो यूजीसी एस्टाब्लीश ऑन द बेसिस ऑफ रेकमेंडेशन ऑफ व्हिच एटा गोटे रिपीट होती आपंकर यूजीसीटा कहार रेकमेंडेशन रे हेतला एटा हमर ऑलरेडी डिस्कस है ठीक अच्छे यूजीसी कौन यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन तो यूनिवर्सिटी विषय से जो आमर कौन ना नाक जो यूजीसी द्वारा नाक तैयारी तो यूजीसीटा कौन यूनिवर्सिटी रिलेटेड तो यूनिवर्सिटी रिलेटेड आप गोटे देखिए कमिशन कौटा ना यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमिशन जोटा कि 1948-49 तो ऑप्शन नंबर ए हम राइट आंसर ओके यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमिशन तो नेक्स्ट जी देखो आउ गोटे कथा देखो आम यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमिशन को कह जाए कौन ना राधाकृष्णन कमिशन ओके डॉक्टर राधाकृष्णन कमिशन आपको पचार दे पारे ओके राधाकृष्णन कमिशन देन आपंकर यहाँ को आम देखो कठारी कमिशन के यहाँ टे मन रखिए आपको इयर भी पचार दे पारे तो कठारी कमिशन के 1964-66 कालकाटा यूनिवर्सिटी कमिशन के 1917 जोटा कि आम सेडलर कमिशन कही था ओके सेडलर कमिशन बोलिकी कही था नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 जोटा कि फर्स्ट टाइम आसी सेकेंड केवे आसला ना 1986 आ 92 रिव्यू करागला देन आम 2020 थर्ड टाइम पर आसी ओके देन यहाँ गोटे आप रिपीट होती देखते जो एनसीटी केवे एस्टाब्लीश होता ठीक अच्छे यहाँ गोटे रिपीट होती है 6 नंबर क्वेश्चन जोटा कि रिपीट होती 1995 1995 एनसीटी एस्टाब्लीश होता तो देखुंत के क्वेश्चन रिपीट है ओके आउ एटा भी आपंकर रिपीट क्वेश्चन ये जो फुल फॉर्म टा आमर जे व्हिच ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेट्स रिसर्च इन सोशल साइंस ओके एटा भी आमर गोटे रिपीट क्वेश्चन 7टा रिपीट हलानी ठीक अच्छे तो यहाँ आमर कौन ना यार फुल फॉर्म हम जे सोशल साइंस तो आपको जब फुल फॉर्म जाना अच्छे ये करदे पारे आप देखो सोशल साइंस एस थी दरकार तेज सीना सोशल साइंस फुल फॉर्म आसो तो कौन अच्छे ना बी रे अच्छे जदि आप मैंने कौन टिके जदि भावे निजे टे भावे जदि टे टाइम नहीं किदारे यहीटा हो पारे जदि आपको जना भी नहीं सोशल साइंस मैंने दुटा एस आसीगला देखो तो एस आमर तो ये गोटे जगार ही अच्छे तो ऑप्शन नंबर बी ही होती है राइट आंसर बुझी हो तो ऑप्शन नंबर बी ही हम ICSSR तो यार फुल फॉर्म कौन ना देखो इंडियन काउंसिल ऑफ कौन ना इंडियन काउंसिल ऑफ ओके इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस यहाँ टे लिखि रखिए आप सोशल साइंस इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च ओके इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च से आपको पचार था तो यहाँ आम के ना 1969 ओके एस्टाब्लीश कर नेक्स्ट जी देखो आउ एनसीईआरटी तो आपको जना थ नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी एनसीटी तो टिके आगे नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन एनसीईआरटी आम 1961 एनसीटी है 1995 हाँ कि नहीं तो ये जिनस गुड़ाक टे मन रखिए देन प्रिपेरेटरी स्टेज अफ आपर यहाँ गोटे रिपीट क्वेश्चन ठीक अच्छे रिपीट क्वेश्चन तो कहनी बट आपको ये मुझे बहुत थर डिस्कस आमर एनईपी 2020 जिते डिस्कस कर बहुत थर डिस्कस कर मैंने प्रिवियस जो जितेबाला आम पीआईक्यू सेसन करवा डिस्कस कराई तो देखो एनईपी 2023 आम कौन 5+3+3+4 सिस्टम आपने जानते तो ये फास्ट 5 वर्ष को आम कौन कह जाए ना फाउंडेशनल स्टेज ठीक अच्छे फाउंडेशनल स्टेज सेकेंड 3 वर्ष को कौन कह जाए आम प्रिपेरेटरी स्टेज ठीक अच्छे प्रिपेरेटरी स्टेज देन नेक्स्ट 3 इयर को कौन कह जाए आम ना आमर से मिडिल स्टेज बोल कह जाए कौन ना मिडिल ओके मिडिल स्टेज एंड लास्ट 4 को कह जाए सेकेंडरी ओके सेकेंडरी तो यहाँ देखो फास्ट 5 वर्ष जो जीव तो सी कौन कौन जन्म होगी चल जीव कि फास्ट है तार 3 रु 8 फास्ट 5 वर्षा तार 3 रु 8 वर्ष ओके देन सेकेंडटा यहाँ है फास्ट बा फाउंडेशनल स्टेज यहाँ है प्रिपेरेटरी स्टेज देन 11 रु 14 है कौन ना आमर मिडिल स्टेज देन सेकेंडरी स्टेज है आमर 14 रु 18 ओके यहाँ तो आपको ये पचार प्रिपेरेटरी प्रिपेरेटरी कौन ना 3 वर्ष किया जोटा मैंने सेकेंड स्टेजा तो ऑप्शन नंबर ए हम राइट आंसर एज 8 रु 11 तो नेक्स्ट देखो 81 अच्छे कौन इफ आमर रिजनिंग आसीगला ठीक अच्छे रिजनिंग आसीगला
तो कौन पचार इफ ए प्लस बी ग्रेटर देन सी प्लस डी एंड बी प्लस सी ग्रेटर देन ए प्लस डी देन कौटा निहाती सब बेले ठीक हे कौटा ओके तो देखो ये ए प्लस बी अच्छी लेफ्ट रे सी कले सी प्लस डी टू दुटा बड़ ये कही बी प्लस सीटा ए प्लस डी टू बड़ तो देखो ग्रेटर साइड रे जो ग्रेटर देन चिन्ह पछपटे सबूत बी रही है देखो बीटा सब बड़ देखो ये बीटा ये अच्छी आउ ये अच्छी कौन ग्रेटर देन साइड अच्छी ओके बीटा सब बड़ हम तो क्या बड़ हम ये देखो सीटा थे लेफ्ट को पलैसी यही सीटा राइट साइड अच्छी कितु ये लेफ्ट को पलैसी तार अर्थ सीटा मे भी छोट भी हो पारे बड़ भी हो पारे किंतु डीटा सब राइट साइड रे अच्छे छोट साइड तार अर्थ कौन ना बीटा सब डी टू निश्चित भाव में बड़ हम तो ऑप्शन नंबर डी हम राइट आंसर ओके देन 82 देखु आपको पचार 498 जो अच्छे संख्याटा यार रिलेटेड बा सिमिलार या सहित तो सिमिलार रोथवा कौन संख्या तीन टा बाछे ट्राएडा बाछापी क्वाइज तो कौन देखो यहाँ हम तो आपड़ जब देखिए सेमती किसी आपको जना पड़ोन किंतु आप जग वियोग जब करेंगे कि हरण गुण कि स्क्वायर देखिए तो स्क्वायर तो जाऊनि डिफरेन्स देखिए डिफरेन्स पाँच ये नौ ओके ये तो छः हो पाँच ये कि दस हो गला तो सेमती भी देखिए जब ये पाँच ये नौ सेटा देखिले आप तो यहाँ डी हो गला राइट आंसर सेमती भी करेंगे किंवा आपंकर आउ गोटे प्रोसेस रे भी करेंगे जे चार रे आठ जोग कराई नौ रे आठ जोग कराई आउ अठर मध्य आठ जोग कराई तो एट प्लस करी तो ऑप्शन नंबर डी बुझीगला दे नेक्स्ट जी देखूँ इन ए रो हरीज सेभेन्थ फ्रम दि लाइट गोटे रोटे अच्छे कहले जो हरी कौन ना लेफ्ट आपंक राइट कौटा लेफ्ट यहाँ लेफ्ट साइड है आप हाथा जो लेफ्ट हाथ जोटा से लेफ्ट आपको राइट हाथ हाथ जोटा से राइट ठीक अच्छे देन कहुई हरी इज सेभेन्थ फ्रम दि राइट मान राइट आडू हरी केत ना सात नंबर अच्छे सेभेन्थ रे अच्छे किए ना हरी देन कहला एंड 27 फ्रम दि लेफ्ट तो लेफ्ट आडू के 27 अच्छे 27th नंबर अच्छे कहले जे हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर ताले रो रे केते जन तो ये केमती कह करेंगे आपको मुझे थियोरी सेसन भी बुझे आउ डिस्कस कराई लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन टोटाल एमती बाहर आम लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन ताले लेफ्ट है 27 राइट है 7 माइनस वन मान 34 माइनस वन इक्वल टू 33 बुझीगला तो 33 होगा आपंकर राइट आंसर तो कौन अच्छे देखो ऑप्शन नंबर सी रे अच्छे 33 होगा राइट आंसर देन कहला जे 84 देखो इफ डे आफ्टर टुमरो इज सटरडे डे आफ्टर टुमरो मान कालीर पर दिन काली नुहे कालीर आउ गोटे दिन कालीर पर दिन ठीक अच्छे कालीर पर दिन है सटरडे मान धर आज यहाँ जब टुडे हुए काली यहाँ हम कालीर पर दिन मान यहाँ तो यहाँ कहला आपको सटरडे मैंने यहाँ कौन हम फ्राइडे ओके फ्राइडे तार अर्थ आज कौन हम ना ट्यूजडे ओके आज आपको ट्यूजडे है ओके आज होगा ट्यूजडे तो ये आपको कौन पचार व्हाट डे विल बी थ्री डेज बिफोर टुमरो थ्री डेज बिफोर टुमरो मैंने कालीर तीन दिन पूर्व कौ बार हम मैंने प्रथम आम करेंगे काली ये आप तो कालीर तीन दिन पूर्व एक दुई तीन मैंने टोटाल चारिटा पचकू जी प्रथम तो काली जी पुणी तार तीन दिन पचकू जी ताले कौन ना ट्यूजडे पचकू कौन हम ट्यूजडे वेडनेसडे कौन सरी ये आप थर्सडे हम ना ओके यहाँ आपको थर्सडे मुझे ट्यूजडे कहीदेली थर्सडे हम ना गुरुवार हम यहाँ हाँ कि नहीं गुरुवार यहाँ जब शनिवार यहाँ शुक्रवार ये आप गुरुवार आस बुधवार मंगलवार सोमवार यहाँ रविवार तार अर्थ ये दिनटा है रविवार आईटा ही आपको पचार व्हाट डे तो आपंकर ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर संडे देन लाइट डी फाइव जे डब्ल्यू गज 30 मीटर नॉर्थ तो ये जब स्टार्टिंग पॉइंट हुए यहाँ तो बहुत डिस्कस से 30 मीटर कौ आड़े गला ना नॉर्थ आड़ को ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आपको जना थी ओके नहीं तो 30 मीटर गला नॉर्थ को देन कहला टर्न लेफ्ट एंड 20 मीटर गला टर्न लेफ्ट एंड 20 मीटर गला तो एपट को जब जाऊँ सीए ऊपर को तो बां तार कौपटे हे ये हाँ कि नहीं देन कहला अगेन ही टर्नस लेफ्ट एंड गोज 30 मीटर एवं सी एपट की जाऊँ देखो ताल तार लेफ्ट कौटा हे ना तौक हे तौक के 30 मिनट तो 30 मीटर जीव तो ऑब्वियसली यहाँ जब 30 तो यहाँ आसिक पुणी से लाइन में सीए रही ना तो 30 मीटर एवं कहला जे हाउ फार इज डब्ल्यू फ्रम हिज ओरिजिनल मैंने यू तार के दूर अच्छे ना यहाँ पर आपको अलरेडी 20 मीटर तो ऑप्शन नंबर डी हो राइट आंसर 20 मीटर ओके द नेक्स्ट जी देखो यहाँ गोटे भल क्वेश्चन अच्छे ओके तो कौन अच्छी देखो आपणकर सही करवा कमी देखो यहाँ आमर कौन ना यो आम यो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो सहीटा पकईकि आम ये सल्व कर पार कहुच एक रु अनेशत भितर इभेन्ट संख्या मानक समस्त तो आपने जानते हैं गोटे फर्मूला एस एन इक्वल टू कौन
एस एन इक्वल टू एन बाय टू इंटु ए प्लस एल इंटु कौन ये आप जानते ए प्लस एल इंटु ए प्लस एल हाँ कि नहीं एन बाय टू एस एन इक्वल टू एन बाय टू इंटु ए प्लस एल एल्टा कौन ना लास्ट टर्म हाँ कि नहीं एल्टा है लास्ट टर्म आमर आउ एटा कौन ना फास्ट टर्म हाँ कि नहीं एटा है फास्ट टर्म एल्टा है लास्ट टर्म आमर हाँ कि नहीं आउ एनटा है कौन नंबर अफ टर्म्स नंबर अफ टर्म्स बट आपको ये जना कि नंबर अफ टर्म्स के आपको जाना नहीं तेनाली प्रथम आम एन काढ़ एन केमती काढ़ तो एल ये आम अच्छे लास्ट टर्म एल फॉर्मूला कौन ना ए प्लस सॉरी हाँ ए प्लस एन माइनस वन इंटु डी तो यहाँ है एल फॉर्मूला लास्ट टर्म तो लास्ट टर्म ए कौन ना फास्ट टर्म के वन वन प्लस एन माइनस वन इंटु डी के तो इभेन गोटे धर जाऊ एक अच्छी दुई अच्छी तीन अच्छी चार अच्छी पाँच तो इभेन कौगा दुई चार ये इभेन तो भितर डिफरेंस के दुई रोचे ना चार रु दुई भितर डिफरेंस बाई छो छ चार भितर डिफरेंस के आपंकर दुई हाँ कि नहीं छु चार भितर डिफरेंस के दुई रोचे तेणु डिफरेंस हो गला दुई तो कैसे हे वन प्लस एन माइनस वन मान टू एन माइनस टू हाँ कि नहीं देन आम कौन या सल्व करा देखो तो एल्टा के लास्ट टर्म एल्टा एल तो आपको दे दिखाई ना एक अनेशत भितर तो अनेशत आपको लास्ट टर्म तो ये अनेशत रो तो यहाँ दुई कौन दुई आउ एक जो कैनसल हो माइनस एक है हाँ कि नहीं तो ये अनेशत देन आपंकर एपटे यहाँ आसिकी सो यहाँ देखते ये आम जो ये फास्ट टर्मटा नेलु नुह कि फास्ट टर्मटा आम एक नहींचु तो एक्चुअली ये एक रु स्टार्ट हम कि आम जब इभेन संख्या कही तेनाली इभेन संख्यार सीरीजटा कौन हम ना दुई चार छः हम ना दुई चार छः आठ दस बार यहाँ इभेन सीरीज हम हाँ कि नहीं भाया चलो हाँ कि नहीं फास्ट टर्मटा कौन है ये दुई है ना एक कौन पर हम एक रु कही एक रु अनेशत मध्य बट आम लास्ट टर्मटा कौन ना फास्ट टर्म कौन हम ना दुई ही हम ना तेनाली आम दुई हम ठीक अच्छे यहाँ दुई हम फास्ट टर्मटा आम दुई हम कहीं स्टार्टिंग दुईट होके ये दुई है ये दुई दुई आपर कटिजे तो टू एन इक्वल टू 99 एन हो गला के ना 48 49 सॉरी यहाँ हो आपंकर सो देखते यहाँ आप कन्फ्यूज हो जाए आउ थे यहाँ मुझे बुझे दूसरी आउ थे देखते सो देखो फास्ट अफ अल तो आमको कहुई कौन ना साम ऑफ इभेन नंबर्स इभेन नंबर्स तो आम सीरीज लिखा इभेन नंबर सीरीज तो एक रु अनेशत मध्य कही तो इभेन नंबर कौन एक पर दुई आसो चार हम छः हम आठ हम ये चलो केते जाए तो अनेशतटा गोटे इभेन नुहे ना तो आम 98 मैंने यहीटा है आपंकर फास्ट टर्म जोटा कि ए आउ आप लास्ट टर्म के ना एल जोटा कौन से 98 ओके तो आपर फर्मूला मुझे टी आगे कहली कौन ना एस एन इक्वाल टू एन बाय टू इंटु ए प्लस एल तो एल आम कमी बाहर करेंगे आपको कहली एल रर्मूला आउ गोटे अच्छी ए प्लस एन माइनस वन इंटु डी ये आप जाना थी एल है 98 ओके से 99 नहीं जाइल आम एक्चुअली लास्ट टर्मटा के 98 ना 98 ए है आम दुई प्लस एन है कौन आम काढ़ एन माइनस वन इंटु डी है के दुई दुटा भितर डिफरेन्स के दुई अच्छी ना तो आमर टू प्लस टू एन माइनस टू टू प्लस टू एन माइनस टू 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 कटा टू एन सवान के 98 तो टू एन सवान 98 एन के 49 तेल एन के ना 49 तो सही आपको पकेबार अच्छे एस एन सवान के एन बै टू तो 49 बै टू इंटु ए के ना दुई युक्त एल के बाहर आम 98 एल तो 98 आमको जना अच्छे तेणु 49 एटा ठीक अच्छे 44 नुह एटा 49 कटिवन दुईटे ठीक अच्छे 49 बै दुई गुणन 100 तो दुईटे काटले के 50 तो 50 गुणन 49 समान के 2450 ऑप्शन नंबर सी बुझिपारे 2450 है आम राइट आंसर तो नेक्स्ट जी देखो व्हाट विल बी दैट दैट टू डिजिट नंबर द प्रोडक्ट ऑफ हुज डिजिट्स ट्वाइस दि साम ऑफ डिजिट माने एमती गोटे संख्या कहे माने टू डिजिट वाला जमीक धर जाऊ गोटे संख्या कहली एक्स वाई एमती करेंगे जमीक एम गुणफल मैंने एक्स इंटु वाई कले जी हम एक्स प्लस वाई जदि करा आम यार यहाँ दि गुण हम माने एक्स वाई कल के टू अफ एक्स प्लस वाई हम एमती जमी होता जदि गोटे संख्या हुए यहाँ फास्ट डिजिट एटा सेकेंड डिजिट तो जदि आम दुटा डिजिट को गुणन करवा गुणफलटा दुटा डिजिट्र जगफल दिगुण तो कौटा हे तो देखो ट्राए करूँ आम जब देखा एक युक्त आठ के न आउ आठ गुणन एक कले से न ना आठ गुणन एक कले से आठ यहाँ तो किसी भी हो आठ न कौट दुई गुण हम से भाया जब ट्राए करेंगे देखो सीटा हम राइट आंसर तीन गुणन छ कले के ना अठर आउ तीन युक्त छ कले ना नाल न रुई गुण होनी अठर होप्शन नंबर सी दे नेक्स्ट जी ह्विच अफ दि फलोईंग वर्ड्स विल कम थर्ड अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी डिक्शनरी तृतीय ईटा कौटा आसो ठीक अच्छे थर्ड में कौटा आसो बोले तो देखो डिक्शनरी केमी खोजते जानते आप फास्ट ए आड़ू बी सी ए भाई खोजी खोजी जा तो सबुति एस अच्छी मैंने एस रे आम कि डिफरेनसीएट हेनी तापर एच एच अच्छी देखो तापर यूएन
तो देखो एज बाला आग आसो ना तो आमको कौन थार्ड टा बाहर करार अच्छे एक दुई आम बाहर करार ना तार अर्थ यही भितर कौटा गोटे एक दुई हम ना तो आमको ये चेक करार ना एक दुई कौटा हम कहीं आमको थार्ड डायरेक्ट कैलकुलेट करार अच्छे तो या भितर आम देखा धरा जाऊ आम यहाँ एक है ये दुई है तो थार्ड या भितर है ना तो आपंकर एन आसो आग ना यू आसो आग ना एन आसो ओबियसली आग तो एन हो गला यहाँ हो गला थार्ड ठीक अच्छे तो ऑप्शन नंबर डी हो गला राइट आंसर तो नेक्स्ट जी 89 ए मेन ए नंबर इज ग्रेटर देन 3 माने कहला गोटे नंबर अच्छी जोटा कि आमर कौन ना ग्रेटर देन 3 3 रु ग्रेटर पार्ट आपंकर अल्सो एंड लेस देन 8 माने 8 रु आपंकर कौन 8 रु कम ठीक अच्छे 8 रु कम बट आपंकर 3 रु बड़ देन आपको कहगला पुणी थे इट इज ग्रेटर देन 6 माने पुणी कहगला 6 रु बड़ आउ लेस देन 10 थे कहगला जो गोटे संख्याटा 3 रु बड़ 8 रु छोट आउ थे कहगला 6 रु बड़ आपंकर 10 रु छोट तार अर्थात 6 आउ 8 मध्य कौन अच्छे 6 आउ 8 मध्य ना 7 ही अच्छे ना तो ऑप्शन नंबर सी हो गला राइट आंसर बुझीगला दे 90 देखो रीना इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सुनीता माने रीना के धर जाओ सुनीतार बयस एक्स वर्ष ताले आमर रीनार के ना 2x हम कहीं कही आपको रीना इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सुनीता तापर कहला 3 इयर्स एगो 3 इयर्स एगो रीनार कते हम बयस ना 2x-3 सेमती आम सुनीता भी 3 वर्ष पूर्वे एक्स माइनस थ्री थी ना 3 वर्ष दिज जाकर कम तो यार 2x रु कम यार एक्स रु कम ओके 3 इयर्स एगो सी वाज माने किए रीना रीना वाज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज सुनीता माने रीना हूँ के 3 वर्ष पूर्वे तार बयस ये तो सी के ना यहीटा मानने सुनीतार 3 वर्ष पूर्वर 3 गुण थी एक्स माइनस थ्री 3 गुण यार 3 गुण यहीटा तो यहाँ को सल्व करेंगे कि ना 2x-3 कालू 3x-9 तो आपंकर यहाँ कौन 2x-3x यहाँ एपट को आसा आर सैड को गला -9+3 सामान -x इक्वल टू -6 x इक्वल टू 6 तो x बाला 6 माने वर्तमान सुनीतार बयस केते ना 6 ताले आपनको कोन पचार छी हाउ ओल्ड इज रीना रीना केते वर्ष हो रीनार तो रीनार वर्तमान केते ना 2x ताले 2 गुण 6 समान केते ना 12 तो ऑप्शन नंबर डी बुझी होउ छी तेन आमे जीवा देखंतु टीचिंग एप्टीट्यूड आसी गला द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ लर्नर रिलेटेड फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग माने एटा लर्नर रिलेटेड कोटा गोटे फैक्टर नुहे जे तांकर पाठ पढ़ा को जे के बाधा दबो तो देखो राइट आंसर हम टीचिंग मेथोडोलॉजी तो देखो टीचिंग मेथोडोलॉजी किए अडॉप्ट करे से टीचर डिसाइड करे ना जे सी को मेथड रे पढ़ेबो हो कि नहीं से टीचर ही डिसाइड करे तो एटा स्टूडेंट पाई गोटे फैक्टर नुहे तो ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर तो देखते आपको कौन आपको जब साइंस रो पार्ट वन दरकार ठीक अच्छे साइंस पार्ट वन डिस्कशन जब आपको दरकार निश्चित भाव में आपड़ कमेंट बक्स में कमेंट करेंगे मुझे नहीं कि आसबी ओके देन नेक्स्ट जी देखो हुई 2022 जोटा कि ठीक अच्छे अलग को तो आम अलरेडी डिस्कस करूँ बहुत सारा पीवाईक्यू को बट जब 2022 आम करूँ जेनराली तो आपको जब दरकार निश्चित भाव में कमेंट बक्स में कमेंट करके जनइबे मुझको नहींक्की आसबी ओके तो देन 92 जी देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ मोटर लाइनिंग तो मोटर लाइनिंग यहाँ मुझको कही बहुत थोड़ा मोटर लाइनिंग कहला मैंने क्या बुझा ना मोटर लाइनिंग जनरली एक्टिविटी जो थे आम गोड़ हाथ आम एक्टिवली पार्टिसिपेट करवा जो थे यहाँ मुझे डिस्कस कर सब तो मोटर लाइनिंग कौटा हम ना कौन मोटर लाइनिंग हो पार तो देखो पियानो बजे आप हाथ में यूज करेंगे स्विमिंग करेंगे ड्राइविंग कार सब आप कौन एक्टिविटी करेंगे ना आपका हाथ गोटे चलो कितु एक्विजिशन ऑफ नॉलेज आप नॉलेज ग्रहण करते जो क्लासरूम बस आप कौन यूज करेंगे आप हाथ गोटे किसी फिजिकाल एक्टिविटी करेंगे कि करेनि तेनाली ऑप्शन नंबर सी हो गला राइट आंसर ओके देन पचाराई जे आम व्हिच स्ट्राटेजी इज बेस्ट एप्लीकेबल फॉर टीचिंग स्किल ऑफ एक्सपर्ट ये गोटे आपंकर रिपीटेड क्वेश्चन ठीक अच्छे 7टा क्वेश्चन रिपीट होता है आमर यहाँ गोटे आपड़ देखी प्रीवियस मोर सेसन गुड़ाक आप जानपरेंगे प्रीवियस सेसन आउ प्रैक्टिस सेसन कौ थी गोटे ये आपको रिपीट होती है ठीक अच्छे यहाँ 8 नंबर क्वेश्चनटा जे आम कौन है यहाँ माइक्रो टीचिंग मैंने कौन गोटे छोट ग्रुप करके पढ़ेगा छोट ग्रुप करके पढ़ेगा तो छोट ग्रुप कले आपर स्किल आउ एक्सप्लेन करेंगे पिला भल कि एज कंपेयर टू बाकी एगा तुलन में माइक्रो टीचिंग रे बेटर एक्सप्लेन करेंगे देन व्हिच स्ट्राटेजी कैन बी यूज फॉर डेवलप एटा गोटे रिपीटेड क्वेश्चन ठीक अच्छे यहाँ गोटे आपको रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ 9 नंबर क्वेश्चन जोटा कि रिपीट हो 9टा क्वेश्चन ठीक अच्छे यहाँ गोटे टोटल रिपीटेड क्रिएटिव थिंकिंग मैंने आप ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे मुझको बहुत थर कही क्रिएटिव थिंकिंग आसो मैंने ब्रेन स्टॉर्मिंग आपको करेंगे ओके देन नेक्स्ट जी देखो व्हेन ए टीचर ट्राइज टू डेवलप सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट अमंग द स्टूडेंट्स
ह्विच टीचिंग मॉडल टीचर रेफर टू यूज माने टीचर जनक चाहूँ जे पिलामनको मध्यर सेल्फ कॉन्सेप्ट आउ सेल्फ अवेयरनेस क्रिएट करिवा पई तो से को मेथड बा मॉडल यूज करियो बोले आपनको पचात तो यार राइट आंसर कोन हो देखंतु यार राइट आंसर हिज हमर नॉन डायरेक्टिव ठीक अछि कोन हो ना नॉन डायरेक्टिव तो एतेबे आपनको एबे क्वेश्चन आसी पारे नॉन डायरेक्टिव कोन एटा देखंतु एटा टिके टेक्निकल क्वेश्चन रा ओके तो नॉन डायरेक्टिव माने कौन ना ये जनरली जे टीचर माने एज्यूम करती ठीक अच्छे टीचर जन को एज्यूम करे जे मोर स्टूडेंट माने माने कौन गोटे आस्थेटिक नेचर होते ठीक आस्थेटिक बातर मोराल थिंकिंग थी ओके से माने माने सी एज्यूम करेंगे थी बोली सेमती किसी नहीं बट से माने कौन ना अन्य मान को रेस्पेक्ट देवे ओके रेस्पेक्ट दिखती तो सहीटा सी एज्यूम कर सही प्रकार गोटे ई को आम नॉन डायरेक्टिव कह जाए तो से अनुसार जदि आम भितर अवेयरनेस क्रिएट करवा आम नॉन डायरेक्टिव मेथडटा यूज करवा दे इंटरेक्टिव फेज ऑफ टीचिंग इज एसोसिएटेड विथ माने इंटरेक्टिव फेजटा कहा सहित रिलेटेड तो देखो इंटरेक्टिव फेज माने आप गोटे कौन क्लासरूम थी ऑब्वियसली ना जन अदरवाइज आप जन सहित इंटरेक्टिव केमती करेंगे इंटरेक्शन तो ऑब्वियसली आप क्लासरूम थे किसी एक्टिविटी करेंगे तो ऑब्वियसली कंटेंट चॉइस करते तो ये कौन इंटरेक्टिव करेंगे आप इंटरेक्टिव माने कौन जनरली कम्युनिकेशन आप करा सहित डिस्कसन करो ये कौन डिस्कसन आप प्लानिंग करते भी तो आप एका ना किंतु एटा देखो डायग्नोसिस ऑफ द एबिलिटीज एंड बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट स्टूडेंट मानक बिहेवियर को डायग्नोस करते तो ये कौन स्टूडेंट मैंने ऑब्वियसली निज पाखे थे ना आपंक सामने थे जहाँ कौन प्रोब्लेम टाक आप डायग्नोस करते कौन होचुअली प्रोब्लेम तो ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर देन 97 होल वर्सेस पार्ट मेथड ऑफ टीचिंग पोएट्री इज बेस्ड ऑन ह्विच थ्योरी ऑफ लर्निंग एटा कौ थ्योरी ऑफ लर्निंग जाए मानने हल रु पार्ट को जी ठीक है ये कौ ना एटा आमर जाए जनरली इनसाइटफुल लर्निंग रे कही पारिबा ओके होल रु पार्ट को जीवा एटा आपनकर इनसाइटफुल लर्निंग थ्योरी ओके तो नेक्स्ट जीवा देखंतु लर्निंग थ्योरी एटा गोटे आपनकर रिपीटेड ठीक अछि 5B मॉडल ऑफ लेसन प्लान 10टा क्वेश्चन टोटल रिपीट हलानी देखुचंती आपन 10टा क्वेश्चन रिपीट हलानी आपनकर तो 5B मॉडल ऑफ लेसन प्लानिंग इज एसोसिएटेड विथ कोन ना कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच जोटा कि आपन माने भी जानि पारथुबे देन आपन ए गुड टीचर ए गुड टीचर एटा भी आपनकर रिपीटेड ठीक अछि 11टा रिपीटेड आपनकर ना 99टा ए गुड टीचर मस्ट बी गोटे जन भल टीचर केमती होगा दरकार ना रिसोर्सफुल होगा दरकार आउ पार्टिसिपेटिव से एक्टिवली पार्टिसिपेट करुवा दरकार ऑप्शन नंबर बी हम राइट आंसर देन मैक्सिम ह्विच मैक्सिमम टीचिंग इज मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर टीचिंग ग्रामर एट स्कूल तो स्कूल रे ग्रामर पढ़ेबापी कौ टीचिंग मेथडटा मोस्ट एप्रोप्रिएट ना यहाँ हूँ आम इंडक्शन टू डिडक्शन इंडक्शन मैंने कौन जेनराली पाने जो जानी थे प्रथम ताकू पढ़ेगा सिंपल जिनसटा ओके कम्प्लेक्स आड़ को जीवा ए सिंपल ओके तो ऑप्शन नंबर ए तो आपंकर देखो सिंपल टू कम्प्लेक्स आपंकर अच्छी ऑप्शन नंबर डी रे भी बट ये देखो ये आप सिंपल टू कम्प्लेक्स सब आसी जाऊँच ना तेनालीर इंडक्शन टू डिडक्शन जोटा कि आम कह जाए तो ऑप्शन नंबर ए हो राइट आंसर तो ये थी 40 क्वेश्चन जोटा कि आम पार्ट वन रहा आर्ट्स पिलांर जोटा कि आम डिस्कस कलु 2022 क्वेश्चन तो आपको जदि दरकार निश्चित भाव में जनइबे कमेंट बक्स से जो साइंस रो पीआई क्यूटा दरकार पार्ट वाना मुझे आपको नहीं आसवि निश्चित आउ गए सेसन में ओके तो आपचित भाव कमेंट बक्स से जनवे आउ सेसनटा केमती लगेगा निश्चित भाव में गोटे कमेंट बक्स से तो ऑब्वियसली कमेंट करके जनवे गोटे लाइक भल लगी गोटे लाइक करेंगे सांग सहित सेयार करेंगे चैनल को ना थे चैनल को सब्सक्राइब कर ओके आप चाहिए आप टेलीग्राम ग्रुप में जॉइन हो पारे जोटा कि रही है एलर्नर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से तार लिंक अच्छे जो थी कि आप सब अपडेट्स पाइपे ओके तेज आज सेशन को ये रखा थैंक यू।